A very warm welcome to all of you. My loka mentor Anushri ma'am, and we have gathered for our usual 10 pm session, right? So, as session besi because we will only focus on the most important elements of Assam, symbolic elements of Assam, right? So, let us begin without any further ado. Hope all of you are fine and good and very much ready for today's session, right? So, yes. सुबह हमारा एक सेशन हुआ एंड अभी हम दूसरे सेशन पर हैं एंड लेट अस बिगिन ओके लेट मी जस्ट टर्न ऑन माय फोन ओके जस्ट गिव मी सेकंड मीनवाइल बाकी सब भी ऐड हो जाइए ठीक है ताकि डिले नहीं होगा किसी का कुछ छूटेगा नहीं करेक्ट यस गुड इवनिंग प्रियंका वेरी गुड इवनिंग लेट अस बिगिन

আণ্ডাৰ আছাম গভমেণ্ট এণ্ড অফক'ৰ্চ অফ আছাম চ' সেইকাৰণে অসমৰ টপিকছ অসমৰ চিম্বল এইবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় জাষ্ট লাইক নেশ্যনেল চিম্বলছ আৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইন দ্য চেম মেনাৰ ইউ নো আছাম এলিমেণ্টছ আৰ অলছো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট হেল্ল' জয়দেৱ হাও আৰউ হোপ ইউ আৰ ফাইন হেল্ল' নিশা হেল্ল' অ'কে য়েছ হেল্ল' শীলা থেংক ইউ ছ' মচ ফৰ দা কম্প্লিমেণ্ট হোপ অল অফ ইউ আৰ ফাইন আপ চব ঠিক অ' ৰাইট चलो आज का क्लास ज़्यादा लंबा नहीं होगा डोंट वरी एंड आई एम वेरी श्योर मैक्सिमम चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है आई नो दैट ओके सो यू कैन टेक इट एज अ रिविजन सेशन एंड ऑकमान मैंने डिस्कस करीम ठीक है और मैंने बेलेग की बा ना बिकॉज इट्स ऑलरेडी यू नो यू नो मोस्ट ऑफ इट आई नो दैट सो वी आर जस्ट हैविंग डिस्कशन ठीक है येस बिप्लब गुड इवनिंग डिस्कशन एंड रिविजन बिकॉज सिलेबस पे है तो हमें कंप्लीट तो करना है वो भी है और चलो थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा राइट एंड येस दीबी टुमोरो इज संडे इलेवेन ए एम यू उल बी हैविंग मॉक टेस्ट सो डो नॉट फर्गेट अगर किसी ने रजिस्टर नहीं किया है आप कर लो ठीक है सो बिकॉज इलेवेन ए एम उल बी योर मॉक टेस्ट सो हे कारण जो यूजल क्लास है ना रातपुआ टेन थर्टी सो आई हैव शिफ्टेड इट ठीक से आई हैव शिफ्टेड इट टू ट्वेल्व थर्टी ओके आई एम टेलिंग यू नाउ सो देट ऑल ऑफ यू कैन जॉइन अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंट ओके पूजा स्टार्ट होल मैम येस एक्चुअली आज महालया एंड कल मैं जो नवरात्रि है स्टार्ट होब बट इन आवर साइड एंड दुर्गा पूजा उल स्टार्ट फ्रॉम द ट्वेंटी आई गेस ना बीस तारीख राइट दैट इज़ लाइक षष्ठी द फर्स्ट डे येस बट आप सबको ऑलरेडी बहुत बहुत शुभकामनाएं सो टुमरो इज द टेस्ट डू नॉट फॉर्गेट सो दैट्स वाई टेन थर्टी क्लास मैंने शिफ्ट कर दिया है ट्वेल्व थर्टी को होगा फाइन डू नॉट फर्गेट

सो नोबिता इज हेयर बट आई हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन ठीक है जितिया जे नोबिता हमार से डोरेमोन गायब ओके सो वेयर इज डोरेमोन आई वॉन्ट के डोरेमोन नोबिता एक साथ किसी सेशन में आए ओके जब डोरेमोन है तब नोबिता गायब सो आप लोग में झगड़ा हुआ है क्या डोंट गिव अप येस हेलो 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 ओके चलो एवरी वन लेट अस बिगिन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड लेट अस स्टार्ट मैंने थोड़ा बहुत बात भी कर लिया वेट भी कर लिया बिकॉज आई वॉन्ट कि सब आ जाए थोड़ा टाइम लग जाता है आई अंडरस्टैंड इसलिए इनिशियल तीन चार मिनट यू नो आई वेट ताकि मैक्सिमम ऑफ यू कैन वॉच फ्रॉम द बिगिनिंग ठीक है एनी वेज लेट्स मूव ऑन ओके सो स्टेट फ्लावर हमार कौन कौन है आई थिंक दिस वी आर अवेयर बट फिर भी हम पढ़ लेंगे एंड एक क्वेश्चन आया था एडीआर इफ यू रिमेंबर ओके इफ यू रिमेंबर ओके लेट मी नो कि एक क्वेश्चन आया था कि फक स्टेल ऑर्किड इज द नेशनल सॉरी स्टेट फ्लावर ऑफ ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और उस पे आसाम ऑप्शन में था ही नहीं इट वाज अरुणाचल प्रदेश सो मन रखा कपो फुलर स्टेट फ्लावर है ठीक तनेका का कपो फुल मैं जो फ्क स्टेल ऑर्किड है दैट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ अरुणाचल ऑल्सो ठीक से सी दिस फ्लावर इज कन्सिडर्ड एज द स्टेट फ्लावर ऑफ बोथ अरुणाचल असम ठीक है यस वेरी गुड सो देखो आपको मुझे पता है मोस्ट ऑफ यू नो मेनी थिंग्स टू एंड यू मे गेट बोर्ड सो बोर्ड नहीं होना है यू टेक इट एज अ रिविजन सेशन और आप में से किसी को भी अगर कुछ भी नया सीखने को मिले सो so उसके लिए स्टे ट्यून्ड ओके बिकॉज होता है कभी कभी नो इवन आफ्टर जैसे मेरे साथ भी होता है सी आई नो लॉट ऑफ टॉपिक्स बट एट द सेम टाइम जब मैं फिर से उस चीज को करती हूँ मुझे फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेस या बुक्स आई गेट टू लर्न मोर ओके यस हेलो समुराइन हेलो होप यू आर डूइंग फाइन चलो एवरीबॉडी ओके सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बिकॉज़ मैंने रीसेंट जो पेपर सॉल्व किया उस पे आप लोग को याद होगा दिस क्वेश्चन वाज देयर राइट कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आई मीन द फ्लावर इज अ स्टेट फ्लावर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड असम था ही नहीं सो इट इज अरुणाचल आल्सो रिमेंबर ओके साइंटिफिक नेम का आ लोटस और साइंटिफिक नेम इज ठीक का। मैंने आपको उसमें भी सिखाया था टाइगर का साइंटिफिक नेम जो जो नेशनल सिंबल्स हैं अगर एनिमल या प्लांट है प्लीज रिमेम्बर साइंटिफिक नेम्स ठीक तने का आसाम के भी जितने सिंबल्स है प्लांट एनिमल बर्ड साइंटिफिक नेम इज इंपोर्टेंट ओके साइंटिफिक नेम की yes भार्गव गुड इवनिंग गुड इवनिंग ओके सी rinko को how हाउ डू say इट रिंग को स्टाइल इश रिट्यूसा ओके रिंग को स्टाइल रिट्यूसा दैट मंच तो थोड़ा सा मतलब ना राइनो राइनो रिंको ऐसा लग रहा है आप चाहो तो कुछ कुछ लॉजिक लगा सकते हो अदरवाइज देर इज नो ट्रिक वेरी सॉरी फॉर दैट एनी कपू फूल मैंने हमारा लोकल नाम हो एंड फॉक्स टेल फॉक्स टेल क्योंकि जो है पूरा फॉक्स के टेल के जैसा दिखता है राइट इट्स अ ब्यूटिफुल फ्लावर इट्स एन ऑर्किड राइट सी फॉर द पीपल ऑफ आसाम दिस फ्लावर मार्क्स तो जब ये ब्लूम करता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये मोस्टली अप्रिल महीने में मिलता है क्या ये यू कैन सी द मंथ ऑल्सो सी दिस फ्लावर मार्क्स द फेस्टिव सीजन ऑफ रोंगाली मैंने बोहाग बिहू सो so, बोहाग बिहू मानी हमारा जो अप्रिल माह टाइम वी सेलिब्रेट सो उस टाइम पे ये फ्लावर उगता भी बहुत ज्यादा इट्स मोर विजिबली सीन ओके यू विल गेट टू सी stylish को <laughs> yes very pretty very beautiful, you know everybody एवरीबडी और एक the scientific name wait okay it's called it's water hyacinth if you know it let me know thik ठीक है amar हमारे जीमान pukuri ase ना ebur pukurit पुकुड़ी में आपको मिलेगा ही मिलेगा ठीक है बहुत है वो ना इंडिया का नहीं है आप बिलीव नहीं करोगे ओके okay? उसका जो जो leaf होता है ना leaf भी बहुत ऐसा बड़ा बड़ा होता है ऐसे ट्यूब जैसा होता है तो मैं जब छोटी थी मैं उसके से बॉल के जैसे ऐसे से उसको मतलब फोड़ती रहती थी बड़ा मजा आता था ठीक है द द नेम ऑफ द फ्लावर इज हाई सिंथ ओके प्लीज लेट मी नो इट्स अ ब्यूटिफुल फ्लावर हाई सिंथ पर्पल पर्पल ऐसे लेवेंडर टोन में है जालकुंभी जालकुंभी हो नहीं की <laughs> अरे डोरेमोन है कम क्या बात है डोरेमोन वेरी नाइस ठीक है सर ठीक है सर ओके सो फाइन क्लियर ये फ्लावर रिमेंबर एवरीबडी जो हम लोग के आसाम के पुकुड़ी में आपको अवेलेबल मिलेगा वो पता है वो इंडिया का है ही नहीं सरप्राइजिंग ना तो ये सब मजा आता है पढ़ के कि अरे बाप रे बाहर से आकर इतना ज्यादा कैसे फैल गए बट ब्यूटीफुल हो बारू पर पानी के लिए अच्छा नहीं है एनी वेज सो आसाम गवर्नमेंट एडॉप्टेड कॉपू फुल एज स्टेट फ्लावर इन टू थाउजेंड थ्री ये आप याद कर सकते हो यर ओके बिकॉज आसाम है ना तो मैंने यू नो थोड़ा सा डिटेल में जाना बनता है क्लियर आसें सो लेट्स मूव ऑन दिस फ्लावर वॉज स्टेट फ्लावर ऑफ आसम अरुणाचल बोथ दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड प्लीज रिमेंबर साइंटिफिक नेम लेट्स मूव ऑन चलो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक टॉपिक स्टेट बर्ड ओके स्टेट बर्ड क्या है ये भी मुझे पता है आप लोग को पता है एंड इट इज इजी यस 2003 अप्रैल थ्री अप्रैल फोर्थ क्या बात है ओके डोरेमोन यू आर राइट यू आर राइट ओके नाउ सी वाइट विंग्ड वुड वुड डाक ओके सी इफ आई एम नॉट रॉन्ग ना या यहाँ पे लिखा भी है देखो इट इज द लार्जेस्ट स्पीशीज ये तो जितने डाक्स में ना जितने आपको स्पीशीज मिलेंगे दिस वन इज द लार्जेस्ट सो बो के डांगर हॉय ठीक है सर सो देहा ओके तो आई आई एम वेरी श्योर देखा ही होगा आप लोगों ने राइट सो व्हाइट विंग्ड वुड डाक इज द इंग्लिश नेम साइंटिफिक नेम इज सी एसरकॉर्नेस ओके स्कूटूलेटर स्कूटूलेटर ओके थोड़ा सा टफ है ना तो मुझे ना इसका ये स्कूटू लेटा याद रहता है मैं फ्रंट नाम कभी कभी भूलती भी थी मुझे याद है वहां यू नो एक ग्रास है नहीं नहीं ग्रास सॉरी कुछ और टॉपिक है सॉरी मैं कभी और बोलूंगी यू नो दो डाइकॉट मोनोकॉट सीट उस पर आता है स्कूट स्कूटेलम तो मुझे उससे पता नहीं क्यों याद रहता है सो आई ओनली रिमेंबर दिस पार्ट बी ऑनेस्ट विथ यू ऐसा नहीं होता है कि मुझे पूरा याद रहता है मैं ना ऐसा कुछ कुछ ट्रिक ले लेती हूँ सो इफ यू रिमेंबर वन थिंग ऑल्सो ना यू विल बी एबल टू स्टिल आंसर ओके अगर हम एंडेंजर्ड देखें मतलब अगर हम लोग आयु का स्टेटस देखें बहुत इंपॉर्टेंट है होन स्टेटस रिमेंबर ओके हमने राइनो का भी चेक किया था राइनो का नहीं सॉरी टाइगर का चेक किया था एंडेंजर्ड हॉय राइट पीकॉक इज वेरी मच अवेलेबल सिंथा नाय जब हमने नेशनल सिंबल किया था अब बात है व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वाइटिंग वुड डक आयुसियन स्टेटस अंडर द रेड लिस्ट इज एन डेंड तो मतलब चिंता का विषय है everybody. Hmm. Endangered भाल स्टेटस एन डेंजर दिस इज इम्पोर्टेंट ओके लार्जेस्ट स्पीसीज ऑफ डार्क इंपॉर्टेंट साइंटिफिक नेम फाइन एंड ये तो आप लोग को पता ही है एनी वेज न

लुक फॉर समर्वे अगर हुआ है तो बट अगर नहीं है तो फिर हमें इसी फैक्ट पे जाना है ठीक है फोर so, फिफ्टी मतलब मोर देन फिफ्टी परसेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर डाक इज इन आसाम ओके एंड नो वर इट इज द स्टेट बर्ड ओके फाइन सो लुक एट दिस नंबर एंड रिमेम्बर

तो एनीवेज दिहिंग पाटकाई में तो बर्ड्स है ही है ओके सो इन दीस थ्री लोकेशंस दिस बर्ड इज वेल प्रोटेक्टेड ओके सबसे मेन मेन लोकेशंस फाइन इवन दिस बर्ड वाज अडॉप्टेड बाय आवर स्टेट गवर्नमेंट इन द ईयर 2003 ठीक है से ओके mm -hmm. okay. ठीक है फाइन कुछ कुछ कमेंट आ रहे तो मैं ऐसे देख रही थी चलो लेट्स मूव ऑन सो वी आर डन हाउ मेनी टू है स्टेट की, स्टेट बर्ड राइट एनिमल सो दैट इज ऑफकोर्स इजी सबको पता है लेकिन एक दो चीज ऐसे गो थ्रू करते ठीक है रिविजन अगर हम आयुसियन देखे, स्टेटस देखें देन भाई स्टेटस काफी रिस्क में है काफी रिस्क में है ठीक है So, जितना स्टेटस हम लोग देख रहे हैं एनिमल बर्ड का कुछ भी अच्छा नहीं है एक्सेप्ट पीकॉक राइट सी सो इंडियन वन हॉर्न यूनी जो शब्द है उसका मतलब तो कर सकते हो ठीक है कुछ भी रटा रटा या रटना नहीं है कभी कभी लॉजिक भी यूज कर सकते हैं see, तो ठीक माने मीन वन एंड कॉर्न माने हॉर्न

ठीक है इवन दिस पर्टिकुलर एनिमल वाज डिक्लेयर्ड एज स्टेट एनिमल इन द सेम ईयर इजी दामोमानी राइट स्टेट फ्लावर स्टेट बर्ड स्टेट एनिमल सब 2003 में ही डिक्लेयर किया गया एक ही दिन में डिसाइड किया गया आई थिंक वो लोग सब एक बार में लेकर बैठ गए कि आज ही सब खत्म करके छोड़ेंगे मैम ऑल ऑफ डेरी अरे होना তোমার নাম টু বোথ ধুনিয়া বাট ওকে বাট ইফ ইউ ডোন্ট চেঞ্জ ইট না মে নাম নেহি লে সকতি বাট মোর মানে ভালে লাগিছে এনে ফানি হয় ঠিক আছে वेरी नाइस चलो नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम प्लीज जॉइन एंड कंटिन्यू উইথ আস ঠিক আছে थैंक यू फॉर कमिंग चलो আমরা কতনা হু এবিডি স্টেট फ्लावर টু হে পালে তার পিছত স্টেট কি বড না देन वी डिड स्टेट एनिमल ठीक है से थ्री डन एटी स्टेट ट्री अरे ये तो सबको पता है और एग्जाम में आता भी है दिस दिस इज इज इजी इजी आई नो बट लेट्स रीड ना क्या पता कुछ सीखने मिल जाए सो हॉलोंग ट्री अरे किसको नहीं पता एवरी वन नो दिस एनीस साइंटिफिक नेम की है डिप्टेरोपस ओके डिप्टेरोपस मैक्रोकार्पस बड़े बहुत धुनिया नाम, नाम कार्पस कार्पास वो ही याद रखना कि इसका जो ज, 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 जीनस नेम है ओके एंड स्पीशीज नेम इसको पता है ना आप लोगों को साइंटिफिक नेम दो भाग में होता है और साइंटिफिक नेम को हमेशा अंडरलाइन करना पड़ता है वो भी अलग अलग कभी भी उनको एक ही बारे में अंडरलाइन मत करना hmm. जो फर्स्ट पार्ट है जीनस नेम और जेनरिक नेम भी कभी कभी बोलते हैं ओके जीनस एंड द सेकेंड पार्ट रिप्रेजेंट द स्पीशीज बाइनोमियल नोमलेचर ओके फाइन ये तो पता ही होगा लेट्स मूव ऑन यस ओके सो डिप्टेरोपस मैक्रोकार्पस जस्ट रिमेम्बर कार्पासप बस होलोंग में अगर कार्पासप आना चाहिए बारू ईमान बहुत उखल राइट मैंने बहुत हाइट है उसका सो एवरग्रीन एकदम एवरग्रीन एंड ऑफकोर्स ट्री प्लांट नहीं बोल सकते प्लांट का हाइट कम रहता है टॉल लेस ट्री ऑफ आसाम फाइन It has been recognized as the state tree for being the most dominant species in the forest. Armaniki? यस नॉम एंड करेक्ट 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 ओके थैंक यू संदीपन जूई सेशन वाह यस हमारा सेशन तो मजेदार ही होता है ठीक है कभी कभी इजी कभी कभी थोड़ा सा क्रिटिकल ओके अच्छा मुझे ये बताओ आप लोगों ने इज़राइल वाला सेशन देखा था कि नहीं अच्छा लगा कि नहीं क्योंकि उसका जो रिमेनिंग पार्ट है आई विल डिस्कस दैट मोस्ट प्रोबेबली टमोरो मॉर्निंग सो मिस मत करना और अगर आप में से किसी ने चेक नहीं किया तो पहले आप वो सेशन देख लो ताकि वहां तक समझ में आए सो so देट कल सुबह बाकी समझ में आ जाएगा ठीक है चलो यस बाइनोमियल ओके वो साइंस टॉपिक है तो स्टेट ट्री तो हाँ। तो क्यों डिक्लेयर किया गया बिकॉज इट इज द मोस्ट डोमिनेंट स्पीशीज डॉमिनेंट माने की हो है आप कहीं भी जंगल में जाओगे आपको ये ट्री मिल जाएगा कुछ और मिले नहीं मिले हर जगह में अवेलेबल है आसाम में एनीवेज फाइन इतना लंबा हो सकता है इतना टॉल हो सकता है लुक एट दिस द हाइट ओके एलिवेशन मैंने हाइट अप टू सिक्स हंड्रेड एंड टेन मीटर माई गुडनेस फ्रॉम सी लेवल अच्छा सी लेवल हो बड़ू हम्म बट जो भी है काफी बहुत टॉल हो सकता है एनीवेज़ इन द सेम यार एवरीबडी सो हार्टिएस्ट ओके टू द स्टेट गवर्नमेंट कि उन्होंने अलग अलग साल में ये डिसीजन नहीं लिया एक ही साल में एक ही दिन में सब काम खत्म कर दिया ताकि हमारे एग्जाम के लिए हमें अलग से डेट सीखना नहीं पड़े सेम डेट बेटे छाप दो खाली छाप दो फोर्थ अप्रैल टू थाउजेंड एंड थ्री स्टेट ट्री स्टेट फ्लावर स्टेट एनिमल स्टेट बर्ड सब कुछ ठीक है खाली छाप देना है लेट्स मूव ऑन हम्म अब क्या है अरे सा ये नहीं पिया तो क्या पिया ओके okay? आप में से बताओ कौन कौन चाय वाले हो मतलब चाय पीने वाले हो सॉरी और कौन कौन कॉफी पीने वाले हो मुझे तो चाय चाहिए भाई मुझसे नहीं होता मैं कॉफी पार्टी नहीं हूं कोल्ड कॉफी लगे बट एक बार केतिया, केतिया पर्पज राइट सो so फटाफट -पड़ मुझे बताओ सा अ हार्ट ओके okay? कि यस मैम चाय तो चाहिए ही चाहिए ठीक है मैं चाय वाला ओके <laughs> okay? शीला इज सेइंग मैम बिल्कुल बिल्कुल अरे चाय वाले कहाँ कहाँ पहुंच गए बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, है कि नहीं यस सा लगी वो ही लगी वो शाह लाव मैम एब्सोलूटली हम लोग आसाम से हैं ओके इफ वी आर फ्रॉम आवर स्टेट एंड आवर स्टेट हैज ऑफ टी तो चाय नहीं पियेंगे तो क्या पियेंगे ओके okay? बिल्कुल चाय पीना है जबरदस्त चाय पियो ओके okay? चलो स्टेट ड्रिंक सो ये थोड़ा सा बाद में डिक्लेयर हुआ ठीक है एवरीबडी मतलब थोड़ा सा mm, सोच रहे थे वो लोग इनफैक्ट स्टेट ड्रिंक भी होगा कभी सोचा भी था मतलब जब बहुत छोटी थी मैं नहीं सोचा था एनीवेज चलो अब साइंटिफिक टीम क्या है कैमेलिया वेरी फैंसी हाँ बहुत मैंने स्वाली स्वाली निस्ना नाम तू ओके बहुत फैंसी है कैमेलिया सिनेंसिस ओके ये सिनेंसिस ना मैंने कहीं सुना है रुको हाँ हिबिस्कस रोजा सिनेसिस ओके जोबा फूल ऐसा फूल है ना जो रोंगा 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 तो दैट द साइंटिफिक नेम ऑफ दैट इज हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस तभी मैं सोचू मैंने कहाँ सुना है चलो सिनेंसिस अस्टामिका सो ये टू टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ओके दिस एंटायर थिंग इट इज ऑफ आसाम टी ओके पर्टिकुलरली सी हमारे बहुत ही नहीं वेराइटी ऐसे अगर वैसे चले जाए तो मुश्किल होगा पर आप ये याद रखो ठीक है गारंटीड एनीवेज डिस्कवर्ड ये तो हमारा स्टेटिक जीके हो गया है कि नहीं आया है एग्जाम में डिस्कवर्ड बाय होम रॉबर्ट ब्रूस एप्सोलूटली करेक्ट ओके इन 1823 और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली आस्ड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम ओके सो हम लोग सिंबल जरूर पढ़ रहे हैं बट एटा क्वेश्चन की पालू फ्रॉम स्टेटिक जीके ओके रेड कारण विप्लम दिस इज बेसिकली फॉर रंगासा ओके दिस वन ओके आइडिया तो बे ना ठीक है यस यस करेक्ट करेक्ट इवन आवर पीएम यस वी नो एवरीथिंग अबाउट दैट एंड हेंस कुछ भी अरे वो एमबीए चाय वाला नहीं देखा सो so, इंस्पिरेशनल तार इंसपिरेशनल तरप गुवाहाटी ना बहुत आसे का एम बी ए चाय वाला का आउटलेट है तो गुवाहाटी में मैंने खुद देखा चाय पिया नहीं वैसे बट देखा है ठीक है so, सो आदि मैंने सा ये तार त, नो लेट नाइट सा पकोड़ा बहुत चल रहा है ये सब तो 보니 এ ট্রেন্ড ইজ ট্রেন্ড এনিওয়েজ চলো আসাম টি ইজ রিনাউন্ড রিনাউন্ড মানে কি হয় বড় দিস ইজ আ সিনোনিম ওকে আমি ভোকাবুলারি बता रही हूं एनीवेज़ सो রিনাউন্ড মানে वेरी फेमस और वेल नोन ठीक है से ये आप यूज कर सकते हो আসাম टी इज वेल नोन और वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स रिच फुल बॉडीड Liquor, okay? so, answer, okay? one, okay? so, इसलिए मैंने बोला ना चाय पत्ती का बहुत वेरायटी है बट हम लोग ये वाला एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखेंगे ठीक है एनीवेज टी इंडस्ट्री हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड सब्सटेंशियली टू द इकोनॉमीर्स अफकोर्स okay? Anyways, tea

in the year 2011 that means this is the only one everybody 2003 छाप के मत आना बाकी सबके लिए एकदम आंख मूंद के 2003 बट इसके लिए प्लीज 2011 ठीक है से एंड इट वाज डिक्लेयर्ड बाय उस टाइम के जो चीफ मिनिस्टर थे तरुण गगई फाइन एवरीबॉडी यस मजा मैम मैं स्पाइरल पकोड़ा दुकान अरे बोलिबो बोलिबो क्यों नहीं ओके अरे बिजनेस जरूर करना मैं खुद बोल रही हूँ साइड बाय साइड अपने हॉबीज रखो अगर आपका कुछ भी वजह से मुझे कैनवस पेंटिंग बहुत पसंद है ठीक है लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता वो अलग बात है बट uh, अगर मिलेगा इन फ्यूचर आई डेफिनेटली डू ओके तो अपने हॉबीज को चलाते रहो इवन इफ यू लाइक कुकिंग कुछ भी कुछ भी जो अच्छा लगे कंटिन्यू कंटिन्यू दैट वो सब कभी छोड़ना नहीं है चलो आप बोलो कि मैम स्टेट एनिमल भी है क्या एंड यू नो समथिंग एवरीवन स्टेट एनिमल जो हमारा है दैट इज आवर नेशनल स्टेट सॉरी नेशनल एक्वेटिक एनिमल मैंने पढ़ाया था ना 2008 में जब गंगा को रिवर माना गया उसके बाद जो एनिमल है उसको भी मान लिया गया ठीक है तो ये है टाइगर ऑफ गंगा हमने पढ़ा था ना गेंजर्स रिवर टाइगर ऑफ गेंजर्स ओके गे? की हॉ सी गेंजस रिवर डॉल्फिन जो हमारा नेशनल एक्टिक एनिमल है ठीक है से बट सरप्राइजिंगली ये हमारा स्टेट एक्टिक एनिमल भी है क्या ये पता था आप लोगों को अगर पता था तो आप सबके लिए तालिया और अगर नहीं पता था तो मेरे लिए तालिया <laughs> ठीक है तो आप ताली दे सकते हो कि हाँ मैम मजा आ गया ये तो पहली बार सुना है अगर पहली बार है तो बट आई एम वेरी श्योर आप सबको पता ही है एनीवेज तो हम अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं सीहू ठीक है

कुछ तो रीजन होगा ना तो थोड़ा बहुत पढ़ना बनता है कि नहीं जरूर बनता है पहले देख लेते हैं कि आई के रेड लिस्ट में स्टेटस क्या है थ्रेट एंड एवरीबडी थ्रेटेड एवरीबडी नो हाई मैंने दिस एनिमल इज थ्रेटेंड ओके तो सेम स्टेटस है जैसे हमने नेशनल मैंने पढ़ा है आप लोग को नेशनल सिंबल दूटा पार्ट अच्छे पार्ट वन पार्ट टू आप फिर से देख सकते हो या फिर पीडीएफ भी मैंने दिया है तो आप वहां से भी चेक कर सकते हो थ्रेटेंड यहाँ पे भी थ्रेटेंड ऑफकोर्स सेम स्टेटस ही होगा ऑब्वियसली हम्म नेक्स्ट की हो लेट अस सी द रीजन एवरीवन कि हमारी सरकार ने इस पर्टिकुलर एनिमल एनिमल को स्टेट एनिमल क्यों किया चलो, सो so एक सर्वे सर्वे किया गया, अ कंडक्टेड इन द ईयर 2005, ठीक बाय बाय होम, पूछ सकते भरोसा नहीं है किसी का आजकल वैसे भी ठीक है रिकॉर्ड किया ऑल टूगेदर मैंने गुटे किस इन एंटायर ब्रह्मपुत्र वैली गी? बहुत ज्यादा है टू फिफ्टी इतना भी कम नहीं है काफी ज्यादा डॉल्फ़िन मिला है कहाँ पे ब्रह्मपुत्र वैली में सी विथ ट्वेंटी सेवन इन कुलसी रिवर मैंने कामरूप एरिया ट्वेंटी सुबान सीरी लखीमपुर फिने एंड वन अकेले से वन इन ब्रह्मपुत्र मेन स्ट्रीम इसीलिए उन्होंने सोचा इतना ज्यादा अगर हमारे यहाँ पे मिल रहा है तो स्टेट एनिमल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर करना बनता है कि नहीं जरूर बनता है हम्म सो याद रखना आसाम गवर्नमेंट अडॉप्टेड सी हू एज द आसाम गवर्नमेंट हूं ओके ओ एज द स्टेट एनिमल ये देखो गायब कर दिया मैंने ये क्या कर दिया मैंने कोई बात नहीं मैं खुद मुंह से बोल रही हूँ आसाम गवर्नमेंट एडोप्टेड सीहू एज स्टेट एनिमल ओके

ये सब क्या है शिकुजा मुझे तो नहीं पता बताओ बाद में बताना मुझे नो no आइडिया चलो वी आर ऑलमोस्ट डन विद द स्टेट सिंबल ओके देन वी विल सी सम मोर इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स माने ओहमिया कल्चर रिलेटेड ठीक है बट एटा पेंडिंग अस एंड दैट इज आवर स्टेट सॉन्ग ये हम कैसे भूल सकते हैं सो ओ माय डियरेस्ट कंट्री इट इज द स्टेट एंड थम ऑफ असाम अफकोर्स वी नो ओ मोर अपुनार डे राइट सो दिस वाज रिटन बाय हुम एवरीबडी क्षीनाथ बेसबड़ुआर नेम्ड बाहीके ये भी इंपॉर्टेंट है लेटर इन लक्ष्मीनाथ बेसबड़ुआ पोएट्री कलेक्शन कॉल कादम को ले अब ये भी आ सकता है की कौन से पोएट्री ये तो स्टेटिक्स हो गया है कि नहीं क्या मजा आ रहा है देखो पढ़ रहे हैं कुछ और लेकिन कुछ और हमारा रिवीजन हो रहा है क्या बात है सब कुछ कवर हो रहा है सो दे पोएट्री के कलेक्शन में ये था दैट इज hmm. कौन से मैगजीन में सबसे पहले पब्लिश हुआ बाही ओके इन हंड्रेड ईयर 1910 अब जो सेकंड पॉइंट है वो मुझे पता है आप सबको पता है आई नो दैट ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ इट तो इसके लिए मुझे टेंशन बिल्कुल नहीं है आई नो दैट यू नो दिस हम्म लेट्स मूव ऑन चलो सो so,

फ्रॉम देन ऑन तो तब से लेकर आज तक ओके सी दिसम अलॉन्स मन तार अमर, ओ माय डिरेस्ट कंट्री ओके बट यमेशन जिबुर बहुत कि कब सब सबसे पहले हुआ, एवरीवन इन मैगजीन ओके? फ्रॉम व्हिच कलेक्शन ऑफ लक्ष्मीनाथ एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम ओके fine i've tried my best to collect important points so i hope you have you are enjoying assam government accorded the status of official state song to this particular song in the year 2013 okay fine yes okay chalo so yahan pe dekho ahomiyat ase and आप में से बहुत लोग को तो पढ़ना आता ही होगा तो आप पढ़ सकते हो ऑफकोर्स पता ही होगा Anyways. सो ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस बैच राइट सब हर दिन सुबह एक्सेप्ट सैटरडे में नहीं क्लास लेतीन गो फॉर माई कोड एंड नाइन ए एम मोर लॉग क्लास है यू कैन स्टडी इन डिटेल व्हाट एवर आई टीच यू वो सबका डिटेल वर्जन एंड सारा डाउट क्लियरेंस ओके एवरीथिंग इज डन ओवर हियर सो यू कैन ज्वाइन दिस बैच एट मिनिमल कॉस्ट पॉसिबल एंड यू कैन गो फॉर माई कोड ठीक है लेट्स मूव ऑन ओके चलो सो so, अब हमारे स्टेट सिंबल्स खत्म हो गए ठीक है बट मैंने जो सेशन में क्या रखा सेशन का टाइटल क्या था इम्पोर्टेंट सिम्बल्स सो हमारा जो जी माने ऑफिशियल सिंबल है हेबो है पले बट जो हमारा कुछ कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यू नो इट इट कनेक्ट्स विद आवर यू नो एथनिकल कल्चर राइट आवर हेरिटेज सो वी हैव टू स्टडी दैट ओके सो ऑफ कोर्स गामोसा ओके एज आई सेट वी विल चेक आउट सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ ओहमिया कल्चर राइट हेलो मोस्ट वेलकम कंटिन्यू हेलो सुपर्णा हेलो ओके चलो गामोसा किस यू नोट ऐसे रिविजन हाँ व्हाइट रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कॉटन ऑफकोर्स कॉटन और होब लगे ओके okay, तो दूसरा कुछ मत खरीदना ठीक है एनी so, वेज सो थोड़े थोड़े पॉइंट मैंने दिए ऐसे भी हमें पता है ना कुछ ओकेजन होने से या ड्यूरिंग बिहू वी गिव गामोसा राइट टू तो आवर एल्डरली पीपल इट्स लाइक अ यू यू नो अंगेक्शन शोइंग इट्स लाइक अ वेरी गुड रेस्पेक्टफुल गिफ्ट एक्चुअली सिर्फ टू शो रेस्पेक्ट हम किसी को इज्जत देने के टाइम हम क्या करते हैं दामोसा देते दैट इज ऑल्सो डन इन माई हाउस ऑल्सो आज आपको भी पता ही होगा राइट यस ओके हम्म रैप so, माथा में ऐसा लगाता है ना अराउंड द हेड ओके इन असा ऐसा पता ही है एवरी थिंग सी देन सी ऑल्सो इट इज हंग अराउंड ने करेक्ट प्रेयर हॉल ड्यूरिंग एट देयर हॉल यह सब पता ही है हम लोगों को कभी कभी हम लोग ओवर द शोल्डर रखते हैं राइट जस्ट टू सिग्निफाई सोशल स्टेटस और वेरी ट्रू किसी के ऊपर ऐसा करके देते हैं यू नो दैट ओनली एनी वे ऑफकोर्स वी आर अवेयर गामोसाज ऑल्सो नो ने बिहू वन दिस कैन कम डी आर अवेयर ऑफ इट ऑफर ड्यूरिंग बीहू एज द टोकन ऑफ लव एबसोल्यूटली ट्रू तो ये इसके लिए मैं वेट करती हूँ मुझे पता नहीं मैं जब छोटी थी ना मेरे अंदर एक फैसिनेशन था पता नहीं क्यों मुझे ये कलेक्ट करना बहुत पसंद था कि मेरे पास इतने सारे गामोसा है मैं जब गिनती रहती थी एक तीन टा आसे मैंने किमान किमान खेन तीन टास्तिया सो जब नया गमोसा मिलता था ना अच्छा लगता था पता नहीं क्यों सो टेल मी इफ यू हैव एनी सच स्टोरी इट्स वेरी फनी ऑल्सो आई वॉज स्मॉल तो जब ये गिफ्ट मिलता था मुझे बड़ा मन करता था कि मुझे पूरा लेयर चाहिए तो मैं एकदम करके कर रखती थी कि अब अब all, yes, yes, course, हर कोई कर सकता। इसमें कोई ऐसा नहीं कि कोई कास्ट वास्ट कुछ भी है एनी वन कैन यूज ओके बट इट इज गिवेन टू पीपल टू शो रेस्पेक्ट ओके सो इट है यस yes, गामोसा को भी जी आई टेक मिल चुका है एब्सोल्यूटली करेक्ट ओके वेरी गुड हाँ ये भी याद रखना रिविजन हो गया नेक्स्ट तामुल पान आप मुझे बताओ कोई खाता है क्या आप में से हम्म hmm, आज तो सबको मैं पकड़ूंगी hmm, तामुल पान एनी वेज एवरीबडी कोई कुछ भी बोले लाइक like, अगर मुझे कोई कुछ बोलेगा मैं तो वही बोलूंगी कि इट इज माई इन माई कल्चर राइट मैंने यू विल एग्री मे बी अलग अलग ओपिनियन है मैं किसी को कुछ डिबेट करने नहीं बोल रही हूँ बट वट आई फील बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ठीक है कि ये सब नहीं खाना चाहिए हैन तैन बट मैं इस पर कमेंट भी नहीं कर रही हूँ मैं अपने ओपिनियन बोल रही हूँ लाइक like, जिस इन्हें का मूड घर मैंने इट इज़ शोन एज आ रेस्पेक्ट ओके जब कोई भी आता है स्पेशली फ्रॉम आवर मैंने गाँव ओके सो

मैं खाता हूँ मैम ये देखो जांग ओपनली मैं खाता हूँ मैम ठीक <laughs> है ठीक है ठीक है कोई बात नहीं बट ऑफरिंग दिस इज एक्चुअली शोइंग रेस्पेक्ट ओके तो इसके साथ मतलब ज्यादा साइंटिफिक नहीं होना आई थिंक ठीक रहेगा बिकॉज हमार कल्चर हमारे कारण इंपॉर्टेंट है ओके okay? इस पर इतना नहीं सोचना है एंड आई डों थिंस पान इज ईमान बया बया है नहीं कि बे बड़ू मैंने तो ये सुना है कि तामुल पान खाने से दाँत भी ठीक रहता है मेरी वो बोलती थी आइटा बोलती थी

इट इज इन आवर कल्चर एवरीबर्टीज तो यहाँ पे मतलब हमें इस पे ज्यादा कमेंट नहीं करना है दिस इज ऑल अबाउट शोइंग कल्चर ओके तो हमारा ये हमेशा से होते आया है एंड वी ऑफर इट नो मैटर वट खाए कोई नहीं खाए इट डिफरेंट बट वी गिव गेट आर ऑफर तामूल पान इन अ ट्रेडिशनल येस ओके बेल मेटल सर्विंग यस जो हमारा वो पानदानी होता है ना पानदानी बोटा राइट एज द मार्क ऑफ ऑनर एब्सोल्युटली गाइस सबके घर पे है कि नहीं जरूर होगा पुश्तैनी नहीं पुराना पुराना है ना मेरे घर में इतना बड़ा एक है पता है और जब मैं छोटी थी मुझे लगता था उसमें भात खाते क्या क्योंकि <laughs> तो है, okay? बहुत पुराना है अच्छा हम्म uh, मैम शिलोंग में क्वाई बोलता है क्वाय यस yes. शिलोंग में इट इज कॉल्ड के डब्ल्यू ए आई ओके इट्स कॉल्ड कुआई

Uh, you know, feel good ये अलग बात है ये अपने ऊपर है एनी वेज बटिया मान बहुत फेमस है इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ एब्सोल्युटली करेक्ट ओके यस हम जापी में क्या बात है तो आज हमारा रिविजन चल रहा है ढाल लगी से हम्म कमेंट आई से और मुझे पढ़ने का मन हो रहा है यस uh, yes, संदीपन से पान सुपरी हाँ पान सुपरी हाँ बोलते हैं लोग so somebody has said ma'am the the taste of India. Tamul, the taste of of India Assam आप तो एकदम कभी बन गए मजा आ गया ये अच्छा है अच्छा tagline है नाइस चलो अब हम पढ़ते वन जापी ठीक है ट्रेडिशनल conical hat obviously देखा ही होगा फ्रॉम Assam इम्पोर्टेंट की है एवरीबडी अगर आप में से किसी को नहीं पता इन केस मुझे पता है मैक्सिमम ऑफ यू नो इन केस तो आप यह नोटिस कर सकते हो ठीक है देखो इट इज मेड फ्रॉम विच पर्टिकुलर लीफ वेरी इंपॉर्टेंट ओके और ये जानना इट इज योर जिम्मेदारी मैं खाली एग्जाम के बात नहीं करूंगी समटाइम्स ना फ्यू थिंग्स यू शुड नो बींग इंडियन और बींग फ्रॉम आसाम और वट एवर इट इज इवन इफ यू आर नॉट फ्रॉम आसाम बट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम देन यू शुड नो ओके अल्टीमेटली इंडियन राइट चलो

आई एम सो सॉरी लोग मुझे क्या बोलेंगे ना मैंने मैं तो उनको कुछ और बोलती मैं बोलती थी पता नहीं क्यों तो आप लोग मुझे प्लीज बोलना एक्चुअल में क्या बोलते हैं ठीक है थीके? मैंने उनको देखा था ये बनाते हुए हम्म अच्छा ठीक है अंकिता थैंक यू सो मच यस यस टॉको पात ओके सो so, मैंने देखा था उनको पर्टिकुलरली पाम लीफ यूज करते हुए ठीक है आई हैव नॉट सीन माय ग्रैंड मदर डूइंग बट उनको मैंने जरूर देखा था ठीक है सो

ओके okay? और ये तो आप लोग को पता है कि जब कोई बिहू डांस करता है तब लोग पहनते हैं ओके ऑफ कोर्स ओके यूज एस प्रोटेक्शन अगेंस्ट एलिमेंट्स यस ओके इट इज द साइन ऑफ रेस्पेक्ट इन ऑफ कोर्स जानू है, हाँ, है मतलब बहुत लोग छोटी थी मैं ऐसे देख रही थी इतना बड़ा लाइक दैट ओके इमान डांग झापी ऐसा कला क्षेत्र में इतना बड़ा मतलब मेरा पूरा रूम उतना बड़ा होगा इतना बड़ा है वो माई गुडनेस एनी वेज एवरी वन भाला से ठीक है चलो

अंकिता ऐसा की मैम आप शिलोंग में कहाँ रहते हो मैं शिलोंग में ऑक्सफोर्ड हिल्स में रहती हूँ ओके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी न हो बु मैंने ताते न होए मैंने या तो हमारे लोकेलिटी नाम आसे ऑक्सफोर्ड हिल्स ओके आई नो थोड़ा फैंसी है बट मैं यहाँ पे रहती हूँ ठीक है इफ़ यू एवर कम डाउन टू शिलोंग और अगर मैं तब मैं हमेशा शिलोंग में नहीं रहती वैसे वो बात भी है बट यू नो आई मिक्स एंड मैच बिकॉज मोर पेरेंट्स याते आसे

सो आई एम थिंकिंग मैं वही पहनूंगी हम्म एनी वे चलो सो so, हमार ट्रेडिशनल मेखला सदर ओके दे आर मेड फ्रॉम वेरियस थिंग एवरीबडी बट जो तो सबको इम्पोर्टेंट है मैं एकदम मैं किम मैंने एथनिक ट्रेडिशनल दैट इज एक्चुअली मुगा राइट right? बट बेलेग बेलेको आसे जैसे वी गर्मी के टाइम पे कॉटन इज बेस्ट है बेस्ट ओके सो कॉटन मुगा पात सिल्क और एरी सिल्क ठीक है दीज आर दैराइटीज एन और कुछ मत खरीदना ठीक है से? पहन रहे हो तो एकदम ट्रेडिशनल मेखिला सदर इज एन इंडिजिनस माने इट ओनली बिलोंग्स टू आसाम सोनली बिलोंग्स टू आसाम राइट इंडिजिनस ट्रेडिशनल ड्रेस वोन बाय वुमेन तो लड़के जल्दी बोलो खरीदा कि नहीं कुछ ऑल ऑफ यू शुड गिफ्ट ऑल योर सिस्टर्स एंड ऑल ठीक है अभी नहीं मैम नहीं खरीदा निशा कोई बात नहीं कोई बात नहीं uh, मैंने भी नहीं खरीदा टू बी वेरी फ्रेंक आई एम थिंकिंग आई बाय वन फॉर दिवाली मैंने मोर घर मैंने दिवाली तो अकमान डांगर है ओके सो बिग थिंग एनीवेज़ सबको पहले से बेस्ट विशेस बट चलो लेट्स कंटिन्यू दिस इज इजी हमारे इम्पोर्टेंट की है कि जो फैब्रिक है ना वो क्या है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो फैब्रिक है वो क्या है ये तो हमें पता ही है ट्रेडिशनल ड्रेस वोन बाय वुमेन ऑफ कोर्स एंड वन मोर थिंग एनीवन हु इज नॉट हैविंग मच आइडिया सपोज ओके सपोज बयाना पाबा जस्ट डिस्कसिंग देर आर टू मेन पीसेस ऑफ क्लॉथ करेक्ट ओके दैट आर ड्रेप्ड अराउंड द बॉडी येस सो एट सिलिंडर निचना है एक्चुअली येस यू कैन से दैट ओके द बॉटम पोर्शन

इन दही काम आता है जो हम रोज पहनते हैं कि नहीं तो so, ऐसा कुछ मत खरीदना जो मतलब नहीं है। एक बार पहन के अंदर में रह जाएगा गॉड ब्लेस यू ओके आई विश जल्दी हो जाए लेकिन फिर भी एक दो तो कुछ चीज खरीद लेना ठीक है हाँ hey, यू नीड मैम पैसा नगवान मूर लोगों तो ना चलो सब चले जाते अभी कहीं पे

अलग अलग साइज का भी है बहुत अच्छा लगता है एक घर है मैंने देखा है मेरे में है है कि उनके घर के एंट्रेंस के एंट्रेंस बाहर भी है, बहुत बड़ा-बड़ा। ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ आसाम इज ओके बेल मेटल प्रोडक्ट ओके मेटल प्रोडक्ट एंड इज कंस एज एन आर्टिकल आर्टिकल मैंने वस्तु ऑफ ग्रेट रेस्पेक्ट यस बाय द पीपल ऑफ आब्सुलटली कलेक्ट ये हमें पहले से पता है नो वर्डिज ओके हम्म सो देर आर हॉरा विथ और विदाउट अ कवर ऑन टॉप हाँ तो ये देखना पड़ेगा आपको कभी कवर होता है कभी नहीं भी होता है देखा ही होगा आप लोगों ने एनी वेज ओके हम्म hmm, तो यहाँ पे भी पॉइंट है देखो हाजो में दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेडिशनल बेल मेटल एंड ब्रास क्राफ्ट्स इन असम इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट ओके कहाँ पे है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट सो सी हॉराइज आर आल्सो यूज्ड टू ऑफर पान यस ओके एज अ साइन ऑफ वेलकम एंड थैंक्स फॉर गेस्ट ओके थैंक्स शोइंग ग्रेटिट्यूड शोइंग ओके कभी कभी येस yes, मैंने वो भी देखा है ए तो मूलभूर बटा है मैंने जो पानदानी ना वो है बट इसमें भी होता है इस पे वैसे मेरे घर पे होता नहीं है बट होता है आई हैव सीन ओके ऑल्सो यूज एज द यूटेंसिल टू ऑफर प्रसाद यस ये मैंने देखा है एब्सोल्युटली ट्रू फूड एंड अदर आइटम्स इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड इन नामगढ़ एब्सोल्युटली ट्रू ये मैंने देखा है मोर मैंने हमारे शिलोंग ना शिलोंग हमारे लोकेशन धान खेती अगर आप में से कोई भी कभी आएगा तो वी विल विजिट ठीक है सर अकेले दाम ताते एक नाई सो धान खेत लोकेशन आके okay? धान खेती है मैं बहुत आगे सो आई थिंक निक नाम तो धान खेती हल्के सो तर नाम घर आटाई नाम घर आनटायर शिल यू कैन सी इन मेघालय एंड देट इज देयर दुर्गा भी होता है और नाम घर में नाम नाम भी लिया जाता है ठीक है तो वहाँ पर जाना से भी दिखता है येस एंड सबाड़ी इज फेमास करेक्ट ओके इतिया हमार लास्ट एलिमेंट और जी होक आसामीज ज्वेलरी और ये मैंने ज्यादा पहना नहीं है वैसे मेरे पास है नहीं ओके लेट मी नो गर्ल्स गर्ल्स इफ यू हैव कलेक्शन लेट मी नो ठीक है मुझे ये भी बताना मुझे ऑथेंटिकली कहाँ कहाँ से मिल सकता है मुझे मेरे पास ज्यादा है भी नहीं एक दो ही है बहुत रेयरली एनी वेज सी आसामीज ऑर्नामेंट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आसामीज कल ट्रू ओके जनरली मेड ऑफ गोल्ड ओके

गोल्ड का तो मैं नहीं खरीदूंगी <laughs> पैसा नहीं है ऐसा सेम टू तो सेम कहाँ मिलेगा प्लीज लोकेशन बताना मैं जाके ऐसे ही खरीद लूंगी ठीक है इमिटेशन फाइन चलो तो यहाँ पे मैंने पूरा नाम दिया एवरीबडी सी इंक्लूड इयर रिंग्स ऐसे इयर रिंग्स विथ एक्सक्विज़िट ओके लोकापारो देन केरू बहुत कि नाम आसे ओके okay? लॉन्ग कैरो सोना और माकोड़ी बहुत है नेकलेसेस है ओके डोंट वरी यू कैन गो थ्रू दिस पार्ट ओके आई नो इट इज डिफिकल्ट बट इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं आना चाहिए नहीं आना चाहिए ओके? Okay? ज़्यादा डिटेल में हम्म फाइन शीला इज लाइक मिस आई डोंट हैव ओके मोर लगत अः दो बट मैंने ईमान रॉ गोल्ड तो कैसे बनाऊंगी मैं मुझसे तो नहीं हो पाएगा भाई मार्केट <laughs> में मिलेगा शायद हाँ मिलेगा मिलेगा वो एक्चुअली आई एम नॉट अवेयर सो यस आर रिमाइंडर एवरी वन आज ही राइट यस ओके टेस्ट रजिस्टर एवरीबडी अगर आपने नहीं किया है तो एब्सोलूटली फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट ओके लिंक ऑलरेडी रजिस्टर कीजिए कल सुबह टेस्ट होगा सो अनादर रिमाइंडर कल हमारा मॉर्निंग का क्लास नहीं होगा मतलब होगा बट टेन थर्टी को नहीं होगा ओके सो टेन थर्टी क्लास नहीं होगा शिफ्टेड बिकॉज यू हैव टेस्ट so so, है इलेवन एम टेस्ट होबो हाउ विल यू विटेंड माई क्लास नॉट पॉसिबल सो यही कारण क्लास कत्या होना टर्टी ट्वेल्व थर्टी पीएम ठीक है टूवेल्व थर्टी पीएम में क्लास होगा यस yes. पसि बजार मैम मैम मेरा मॉम के पास है असामीज गोल्ड अर्णामेंट शी सेट दैट शी विल गिव दी अच्छा वा वाह वाह uh, क्या बात है यस हाँ यूर आए बारो मैं एकजेक्ट ना ऐसा नहीं इतना कलरफुल नहीं है ना तो मोर आसा दो इवेन माई मम शी हेज बट नट एक्जेक्टलि लाइक दिस यू नो ऐसा गोल्डन एंड रेड कॉम्बिनेशन इज वेरी कॉमन हाँ टू आसे बट ऐसा इतना मल्टीपल कलर नहीं है एनी अंकिता अंकिता सेड मैम लगता है क्या बात है यस प्रियंका मोस्ट वेलकम चलो बता दो कैसा लगा रिवीजन करके mm -hmm. कौथ हो बो मैम टेस्ट आ, टेस्ट आप बस रजिस्टर कीजिए आपको जो लिंक में दिया है मैंने ऑनलाइन पोर्टल पोर्टल था वो सो वहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हो यस सो हाउ डिड यू लाइक इट एवरीबडी रिविजन करके अच्छा लगा आई नो आज के क्लास पर आपको बहुत कुछ ऑलरेडी पता था लेकिन अगर एक भी चीज़ आपने नया सीखा है देन यू कैन लेट मी नो ओके यस सो देन आई विल सी यू ऑल टूमारो बट ट्वेल्व थर्टी ओके भूलना मत uh, क्योंकि इलेवन ओ क्लॉक एग्जाम है मतलब टेस्ट है सो ट्वेल्व थर्टी वी विल सिट टूगैदर ओके

मैं इजराइल वाला टॉपिक फिनिश करने वाली हूँ मिस्ट्री तो जिन्होंने नहीं देखा प्लीज वॉच द प्रीवियस वन ताकि वहां तक आपको याद रहे बिकॉज आई वोट रिपीट ऑफकोर्स एक घंटा रिपीट नहीं कर सकते फ्रॉम देयर आई विल कंटिन्यू बहुत इंपॉर्टेंट सेशन दैट इज अक्टूबर कल क्या है फिफ्टीन सो द एंटायर फ्रॉम फर्स्ट टिल फिफ्टीन अक्टूबर करंट अफेयर कंपाइलेशन डू नॉट मिस द सेशन ओके